थिएटर से, हमें फिल्मों में भी बहुत मदद मिलती है। एक तो हमें बहुत ट्रेंड एक्टर्स मिलते हैं थिएटर से, और हमारे भी थोड़ी बहुत जो एक्सपीरियंस है थिएटर में, जब मैं दिल्ली में करता था उसकी वजह से, एक जब मैं डायरेक्ट करता हूँ। हाँ, आई थिंक ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट किया है मुकेश ने। ऐसा एक फेस्टिवल उन्होंने मुझे बताया था कि ये कर रहे हैं वो, और मुझे इनवाइट किया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, बिकॉज मुझे लगता है इस किस्म के जो थिएटर फेस्टिवल्स हैं होने चाहिए, थिएटर को एक सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा थिएटर से, एक हमें फिल्मों में भी बहुत मदद मिलती है, एक तो हमें बहुत ट्रेंड एक्टर्स मिलते हैं थिएटर से, और हमारे भी थोड़ी बहुत जो एक्सपीरियंस है थिएटर में, जब मैं दिल्ली में करता था तो उसकी वजह से, एक जब मैं डायरेक्ट करता हूँ एक मदद मिलती है जब मैं एक्टर्स को डायरेक्ट करता हूँ। तो आई थिंक इस किस्म के फेस्टिवल्स को ज़रूर एक इनक्रेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और मुकेश इज़ द बेस्ट पर्सन, क्योंकि उनका थिएटर बैकड्रॉप है, सबसे माहिर कास्टिंग एजेंट है इंडस्ट्री के, और इसमें जैसे इस फेस्टिवल में आपने देखा वो इंटीग्रेट कर पा रहे हैं दोनों इंडस्ट्रीज़ को, एक थिएटर के लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे एक थोड़ी सी पब्लिसिटी भी जनरेट होती है, एक अवेयरनेस जनरेट होती है। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट मुकेश। नहीं, ऐसा कोई खास मैसेज नहीं, लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए अगर वो एक्टिंग में उनको दिलचस्पी है, अगर वो चाहते हैं एक्टिंग करें, तो आई थिंक थिएटर से बेटर ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं हो सकता। थिएटर में वो अपना क्राफ्ट वो होन कर सकते हैं, अपना एक कॉन्फिडेंस मिलती है थिएटर करने से, और आगे अगर वो फिल्मों में भी एक्ट करना चाहेंगे तो ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत मदद करेगी। थैंक यू। ये मैं पहले दिन आया हूँ, थोड़ा मशरूफ़ था इन दिनों, लेकिन जिस तरह का जो स्टैंडर्ड था प्ले का, जो स्वानंद भाई का था, बहुत बढ़िया, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेके यहाँ पे प्लेस किए जा रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं किसने लिखा है, शायद स्वानंद भाई ने लिखा है ना, स्वानंद भाई का ही था शायद, मैं एकदम से इतनी हड़बड़ी में था कि स्वानंद भाई का प्ले और आ गए बिना देखे तो, लेकिन बहुत अच्छा था और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। और ये कॉलेजेस में इस तरह के इश्यूज़ को लेके जो प्लेस कर रहे हैं, हमारे टाइम पे इतना दम नहीं था, हमारे टाइम पे प्ले स्कूल में या कॉलेजेस में इतना वो नहीं था कि इस तरह के इश्यूज़ को उठाया जाए, तो लेकिन यहाँ पे निश्चित तौर पे जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है नाटकों का, वो बढ़ रहा है, और जो यूथ है उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके वो बड़ी बारीकी से अपना नज़रिया पेश करते हैं, है ना, तो जो है आजकल के यूथ की अवेयरनेस बढ़ रही है, इसे देख के बड़ी खुशी होती है। बस इस तरह के फेस्टिवल्स करते रहिए, और इस बार तो मुझे थोड़ा लेट पता चला, पता पहले चल गया था, दोस्त था मुकेश, बट मैं बिजी था, थोड़ा मशरूफ था, तो अगर पता होता कि इस तरह का चल रहा है तो मैं हर रोज़ आ रहा होता, तो कल भी आऊँगा परसों भी आऊँगा। अभी बिजी उसमें नहीं था, या अवार्ड शोज वगैरह में था थोड़ा सा, तो वो फॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए करनी पड़ती हैं, तो अभी अभी फिल्म करूँगा, अभी अभी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, दो तीन। थैंक यू।